वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के देवीपुर गांव में गंदे पानी की निकासी न होने के कारण मुन्नी देवी सहित कुल 50 लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं शबनम और ये है मेरा समुदाय। पानी बहाव की समस्या होती है, दूसरे में पानी फेंका, गाली सुनना, झगड़ा करें। क्यों दूसरे में पानी फेंकना होता है, क्या मतलब किस वजह से? चोकता नहीं बना है अपने पास, वही वजह से झगड़ा करला, गाली देला। प्रयास तो प्रधान से बहुत कहेगा, बाकी प्रधान ना सुनल। फायदा होगा, सोखता बन जाएगा, फायदा होगा, हमन के आराम हो जाएगा। किसी के खेत में पानी नहीं फेंकना चाहिए। क्या समस्या आपको हो रही है? यही नाली सोखता ना बनने से हमें बीमारियां फैलती हैं। किसी और के खेत में पानी फेंकते हैं और उसे उभर कर फेंकते हैं, उसमें बदबू आती है, हम लोग बीमार होते हैं और उसके बाद वो गालियाँ देती है, झगड़े होते हैं, मार होते हैं उसमें। रात को सोने के वक्त मच्छर काटते हैं, उससे हम लोग बीमार होते हैं। हम लोग सोचते हैं सोखता बन जाए, हम लोग को भी स्वस्थ रहें। समस्या ये है, पानी के बहाव के साधन ना हो, दूसरे जमीन में पानी जात हो, मार झगड़ा होला, बल्टी बल्टी पानी फेंकाला दूसरे खेत में। बहुत प्रयास किए गए, प्रधान सुनते ना है। तो अब क्या चाहती हैं आप? सोखता बन जाए। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करती हूं कि आप लोग वीडियो के मोबाइल नंबर 9454 4179 पे कॉल करके दबाव बनाए ताकि इनके गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था हो सके। मैं शबनम वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।